अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाला चाउमीन, और वो भी बिल्कुल घर में तैयार करेंगे। और वैसे ही फ्लिप एंड टोस्ट वाले स्टाइल में एकदम प्रोफेशनल वे में चाउमीन बनके तैयार होगा। अगर आप करते हैं कोई प्रोफेशनली फूड का बिजनेस तो ये रेसिपी आपके लिए सबसे बेस्ट है। मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया है, तमाम स्पाइसेस ऐसा मैंने मेंशन किए हैं। इस तरह से हम सोया सॉस और विनीगर वगैरह ऐड करके कुछ ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट को मैंने ऐड किया है। अच्छे से हम यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करेंगे। 10 से 15 या 20 से 25 मिनट आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। चौमें का पास्ता बॉईल करने के लिए ऑयल और सॉल्ट ऐड कीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने इस स्टाइल में चौमें नूडल्स लिए हैं, आप कोई भी अपने फेवरेट चौमें नूडल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे चौमें नूडल्स बॉईल हो चुके हैं, पानी को स्टेन मैंने कर दिया है। दूसरी साइड पे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल के गार्लिक और मैंने जिंजर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा फ्राई करें और मैरिनेटेड चिकन हमने इसमें इस तरीके से ऐड कर दिया है। चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम में अच्छे से पकाएं, क्योंकि चिकन का पकना बहुत ज़रूरी है और सॉफ्ट होना भी ज़रूरी है। ब्लैक पेपर, सॉल्ट और विनीगर की वजह से ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और सख्त या हार्ड भी नहीं हो पाता। तो इस तरीके से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। इसके साथ ही मैंने बंद गोभी कटी हुई थी इसको ऐड कर दिया। चौमे में बंद गोभी बहुत ही अहम होती है, ऐड की जाती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे गाजर स्लाइस छोटे छोटे स्लाइसिस में मैंने कट की हुई थी इसको ऐड कर दिया। वेजीज आपने स्टिर फ्राई करनी है, मेक श्योर कि वेजीज आपकी सॉफ्ट ना हो पाए। साथ ही मैंने कैप्सिकम ऐड कर दी है, कैप्सिकम को भी हम स्टिर फ्राई करेंगे। वेजीज को हमने सॉफ्ट नहीं करना, फ्लेम थोड़ी सी आपने तेज़ रखनी है। अगर आप लो फ्लेम पे वेजीज को पकाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि वेजीज अपना पानी छोड़ देती हैं। इसके साथ ही मैंने स्लाइस्ड एक अनियन ऐड किया है इस तरीके से, और ये वो तमाम कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं जो सारे चौमे में इस्तेमाल होते हैं। आपने रेस्टोरेंट में भी खाया होगा या स्ट्रीट स्टाइल में भी आपने ट्राई किया होगा, तो एकदम इसी तरह का चौमे बनके तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वेजेस जो हैं वो स्टिर फ्राइड हो चुकी हैं। साथ ही जो अहम स्टेप है चौमे का, वो है इसकी सॉस प्रिपेयर करना। यहाँ पर जाएगा केचप, उसके साथ ही चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, और चिली सॉस के साथ ही मैं यहाँ पे सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। सोया सॉस के साथ यहाँ पे विनीगर गया है, विनीगर के साथ मेयोनीज ऐड कर रही हूँ। इट्स टोटली ऑप्शनल, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस मैंने ऐड की है, और यहाँ पे मैंने शक्कर ऐड की है। आप चाहे तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन शक्कर का एक अलग ही टेस्ट होता है, और मोस्टली रेस्टोरेंट्स में शक्कर ऐड की जाती है, ना कि चीनी ऐड की जाती है। अच्छे से इसको मिक्स करें ताकि शक्कर और मेयोनीज मिक्स हो जाए। साथ ही मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए हैं, और चिली फ्लेक्स को भी आप अच्छे से मिक्स कीजिएगा। आपकी ये चौमे सॉस ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है, और ये सॉस जो है यही आपके चौमे को लाजवाब और कमाल का बनाती है। तो ये देखें, इस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ आपने चौमे सॉस रेडी कर लेनी है। यहाँ पर हमारी सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। तो यहाँ पे वेजीज हमने स्टिर फ्राई कर ली हैं, आप देख सकते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा कच्ची है ना पकी है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे चौमे नूडल्स ऐड कर दिए हैं, आप अपने फेवरेट कोई भी नूडल्स ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली चौमे के लिए थोड़े मोटाई में नूडल्स इस्तेमाल होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वे में ये मिक्स होता है। इस थोड़ा सा मिक्स करके इसके ऊपर ही हम सॉस को ऐड कर रहे हैं। मिक्स कीजिएगा, सॉस को अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, कहीं से भी वेजीज और नूडल्स जो हैं वो रह ना जाएं। और इसी तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल में आप इसको फ्लिप एंड टॉस कीजिएगा, बहुत ही कमाल का, बहुत मज़ा आता है। और इस तरह से आप घर में भी अपने पैन में चौमे तैयार कर सकते हैं। लेट्स वी डिश आउट। तो यहाँ पे हम करें इसको डिश आउट। ट्विस्टिंग वे में आप अपनी प्लेट को सर्व कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का मज़ा है, और एकदम अथेंटिक वे में चौमे बन के तैयार हुए हैं। मैंने इसके ऊपर स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर दिया है, और लीजिएगा, चौमे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में रेडी हैं। रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ अपने खूबसूरत कमेंट को कमेंट सेक्शन में छोड़ना मत भूलिएगा। इसी तरह की ज़बरदस्त और लाजवाब एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में हम एक और रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। बाय बाय।